जी आवाज सबको क्लियर आ रही है मेरी? काइंडली आप जब क्लास सुन रहे हो तो स्पेशली सेल फोन्स के साथ आप हैंड फ्री या हेडफोन्स यूज किया करें ताकि आपको मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ सके। सेल फोन्स पे मोस्टली ऐसा होता है आवाज जो है वो काफी कम आ रही होती है, तो आप हैंड फ्री या हेडफोन्स को यूज करें। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी अब हम आते हैं, जब हमने लिखना सीख लिया है कुछ हद तक हमने चीजों को देखा है, उसके बाद हम जो है वो आएंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर, क्योंकि हम सब जानते हैं हम पाकिस्तानी और जो हम हैं हमें नेटिव इंग्लिश नहीं आती, नेटिव जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है वो हमें नहीं आती, हम जब काम करते थे उसके अंदर बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है। अब हम कहेंगे कि जी हमारी इंग्लिश अब इस लेवल की तो नहीं है, जिन्होंने गैलेक्सी S9 के नेम से ज्वाइन किया हुआ है काइंडली वो अपना कनेक्शन चेक करें, बिकॉज बाकी सब स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है, सिर्फ आपका ही इशू है। अगर किसी एक आध स्टूडेंट को आवाज नहीं आती तो वो काइंडली कोशिश किया करें कि डिस्कनेक्ट करके दोबारा से रीज्वाइन कर दिया करें तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ जी तो हम बात कर रहे थे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की, तो इसमें हम किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने काम को, किस तरीके से हमारे ये काम इजी हो जाएगा कि जब हम लिखें तो खुद ब खुद जो है हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आप लोग जो काम करते हैं स्पेशली जो एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं और गूगल डॉक्स पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए वो देख रहे होंगे जब वो कोई वर्ड लिखते हैं तो साथ साथ उनके जो राइटिंग इश्यूज होते हैं वो हाईलाइट हो रहे होते हैं, उनके नीचे रेड या ग्रीन लाइन लग रही होती है और उसकी बेस पर जो है उन मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स हमारी हर किस्म की जो मिस्टेक्स हैं या अल्टरनेट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं और कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो तमाम मिस्टेक्स उसके अंदर हाईलाइट नहीं हो रही होती, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो आपकी ग्रामर होती है उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जब आप फॉरनर्स के साथ काम कर रहे होते हैं और आपने चाहे जितने अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, आपने जितना अच्छा डाटा इकट्ठा किया है, आपने जितनी अच्छी स्ट्रक्चरिंग की है, जैसे ही वो काम देखता है और काम देखते ही उसे उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नजर आती है तो कहता है बात यहीं पर खत्म हो गई, वो आपके काम को रिजेक्ट कर देता है, वो नहीं देखता आपने इस पे कितना टाइम लगाकर मेहनत से काम किया है, वो नहीं देखता आपने कितने फैंसी वर्ड्स यूज किए हैं, कितनी रिसर्च की है, कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स डाले। उसके लिए मेन पॉइंट यही होता है कि अगर आप उसकी स्ट्रक्चरिंग सही नहीं कर सके, अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की बात करें और अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं रिमूव कर सके उसके अंदर से, तो इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर सकते। इसके लिए हम ये करते हैं कि एक टूल है उसका नेम है ग्रामरली, ठीक है, साथ साथ मैं आपके साथ ग्रुप में लिंक भी शेयर करूंगी। ये है हमारे पास टूल ग्रामरली। ये क्या काम करता है? जब भी हम अपना लिखा हुआ काम इसके अंदर पेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है, उसके अंदर जितनी राइटिंग मिस्टेक्स होती है वो निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आती हूँ और कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है,
ये आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है जिसमें लिखा है सेट गोल्स। इसमें हमने क्या करना है, हमने डिफाइन करना है कि हमारी ऑडियंस किस लेवल की है। ऑडियंस क्या है, वो लोग हैं जिनके लिए आप लिख रहे हैं, वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है किसी ब्यूटी क्रीम की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन होती है, फीमेल्स होती है, ठीक है। अगर आप बच्चों की किसी चीज की फॉर एग्जाम्पल नेपिस की बात कर रहे हैं या उनके किसी टॉय की बात कर रहे हैं तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन होती है, नॉर्मली मदर्स होती हैं, और वो मदर्स किसी भी लेवल पे हो सकती हैं, बहुत ज्यादा लिटरेट भी नहीं हो सकती। तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो आपकी जनरल पब्लिक है, नॉलेजेबल है या एक्सपर्ट है। जनरल पब्लिक में क्या होगा कि जब आप काम करेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप सिंपल से सिंपल वर्ड्स यूज करें, इजी से इजी करें, बिकॉज जनरल पब्लिक में हर तरह के लोग आते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, जो फैंसी वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो टेक्निकल टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो नॉर्मली ये जिस तरह है हम इसको इसी तरह छोड़कर ओके कर दिया करते हैं। नॉलेजेबल वो होते हैं कि जिस तरह आप असाइनमेंट लिख रहे हैं या किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और वो ऑलरेडी उस फील्ड में काम करता है, वो जानता है उस चीज के बारे में, वो काम आपसे करवा रहा है लेकिन वो उसकी कंपनी है, उसे उसके प्रोसीजर्स का पता है, तो क्या है, नॉलेजेबल ऑडियंस है। आपको उसके मुताबिक जो है टेक्निकल टर्म्स यूज करनी है, आपको उसके मुताबिक अपना काम जो है उसका स्टैंडर्ड सेट करना है। तो एक्सपर्ट वो होते हैं जो आपको पता है कि जो उसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और जो स्किलफुल होते हैं। तो नॉर्मली ये हमारे पास जो आ रहा होता है हम इसको यहीं से ओके करते हैं, ओके करके अपने काम की तरफ जाते हैं। अब जब हम अपने काम की तरफ पहुंचे हैं तो ये देखें, जो मैंने फाइल अपलोड की थी, ये सिर्फ फाइल अपलोड नहीं, आप कोई भी एमएस वर्ड से कॉपी करके यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, वो भी जो है इस तरीके से भी आप इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं। अब आपको ये राइट साइड पे नजर आ रहा है ओवरऑल स्कोर, ये जो ओवरऑल स्कोर है ये इसका परफॉर्मेंस स्कोर है, मतलब 68 आउट ऑफ 100, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप काम करते हैं किसी क्लाइंट के लिए तो नॉर्मली प्रेफर किया जाता है 90 प्लस परफॉर्मेंस स्कोर को, और ज्यादा प्रेफर किया जाता है 95 प्लस स्कोर को। और वो स्कोर किस तरीके से आएगा, जितनी कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी आपकी राइटिंग में उतना ही क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस स्कोर होगा राइटिंग का वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये नीचे आपको नजर आ रहा है करेक्टनेस, नीचे लिखा है 51 अलर्ट्स। ये 51 क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं इस फाइल के अंदर जो फाइल मैंने यहाँ पर अपलोड की है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रोल डाउन करके देखूं तो आप देख सकते हैं ये जो नीचे रेड अंडरलाइन है ये सारी क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता मैंने इसकी जगह पे क्या लिखना है, तो उसका आंसर ये है कि जब आप इसके ऊपर लाकर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप राइट साइड पे देखेंगे उसने आपको सजेशन दे दी है कि आपने इससे पहले द की जगह ए लगाना, ठीक है, ए कंस्ट्रक्शन। आप ए कंस्ट्रक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद ऑटो करेक्ट हो जाएगी। फिर इसी तरीके से जितनी मिस्टेक्स हैं आप उन पर क्लिक करते जाएं और जो जो आपको सजेस्ट कर रहा है आप उसको जो है ओके करते जाएंगे, तो इस तरह साथ साथ क्या होता जाएगा, आपकी मिस्टेक्स जो है एलिमिनेट होती जाएंगी। यहाँ पर आपके जहाँ 51 अलर्ट्स थे आप देख सकते हैं 47 अलर्ट्स हैं, और परफॉर्मेंस स्कोर कहाँ पे पहुंच गया, 70 पे पहुंच गया। हैज प्रूव्ड के जितने भी प्रॉब्लम आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के जो प्रॉब्लम थे वो सारे ग्रामेटिकल एरर्स की वजह से आ रहे, ठीक है। अब हम इसी तरह इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और ये जितनी रेड लाइंस इन पर क्लिक करके और इन सारी मिस्टेक्स को ठीक करते जाएंगे। एट द एंड जब आपके पास बिल्कुल क्लियर आर्टिकल होगा जिसमें जीरो अलर्ट्स होंगे तब आपका जो स्कोर होगा परफॉर्मेंस का वो 90 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको टक टक करके जो है आपने सही नहीं करते जाना, इससे सीखना है, इससे आपकी जो ग्रामर है वो भी इम्प्रूव होगी। मेरी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है, स्टार्ट में मैं इतनी मिस्टेक्स करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उनको सेट करती थी तो मुझे पता चलता रहा कि ये चीज होती है। अब मैं जब लिख रही होती हूँ
तो ऑटोमेटिकली मैं उसी ग्रामर के अकॉर्डिंग काम कर रही होती हूँ और मेरे नंबर ऑफ अलर्ट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कैसे सीखना है, कहाँ से पता चलेगा? ये आपको एक वर्ड नजर आ रहा है बेड लिखा हुआ, मैं जब इस बेड पे क्लिक करूंगी और इसने मुझे सजेशन दिया तो सजेशन से नीचे आपको यहाँ पर लर्न मोर का बटन नजर आ रहा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इस लर्न मोर पर जाते हैं और लर्न मोर पर जाएंगे तो नीचे वो आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देगा कि मैं इस चीज को क्यों गलत समझता हूँ और अगर ये गलत है तो इसका सही आंसर क्या है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब उसने आपको काफी सारे सेंटेंसेस की एग्जाम्पल दी है और उससे बताया है कि क्या क्या मिस्टेक्स है जो नॉर्मली होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ये इसकी पूरी तफसील आप जो है बैठ कर पढ़ लेंगे, एक एक भी चीज सीखना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इसको इम्प्रूव कर लेंगे। इसकी वजह से आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद क्या है, जो लोग ग्रामरली यूज कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अब क्वेश्चन इज दैट कि हम हर बार जो है अपने डाटा को कॉपी पेस्ट करके लाएंगे। अभी मैंने जो आपको मेथड दिखाया था वो मैंने क्या किया था, एक फाइल अपलोड करके दिखाई थी। अब जो मैं आपको मेथड दिखाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने डाटा को कॉपी पेस्ट कैसे करना है। जो भी चीज आप करना चाहते हैं इस तरीके से आप उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप उसको ले जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन है फिर इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे उसी तरीके से जो है हमारे पास आ गया है तमाम डाटा और आप इसी तरीके से जो है इसके स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है उनको दूर करके, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करके मुझे गो अहेड दे दिया करें। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप करते रहा करें, उससे आपके लिए हर चीज समझना इजी हो जाएगी। हाँ जी, अब ये तो था ग्रामरली जो हम ब्राउजर में ब्राउज करके ओपन कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रामरली है ये हमारी हर तरह की डिवाइस के लिए अवेलेबल है। हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं गूगल डॉक्स पे काम कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे लिख रही हूँ, मैं ऑनलाइन कोई मैसेज लिख रही हूँ, हर चीज जो भी मैं ऑनलाइन लिख रही हूँ ब्राउजर ओपन करके वो तमाम ऑटोमेटिकली साथ साथ सजेशन आती जाए और मेरी मिस्टेक्स जो है वो एलिमिनेट होती जाए। तो मैं कैसे करूंगी, इसकी ग्रामरली की जो है वो एक्सटेंशन अवेलेबल होती है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सर्च करूंगी ग्रामरली फॉर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है? मैं इसको जब सर्च करूंगी बल्कि आप ग्रामरली की अगर ऑफिशियल साइट ओपन करें तो इसके पेज के एंड पे भी तमाम प्रोडक्ट्स आ रही होती है ग्रामरली की, जहां जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये मेरा अकाउंट ओपन है एक्चुअली, ये देखें ये जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी, यहाँ पर आ रही होगी एड टू क्रोम, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एडिट है यहाँ पर। ये देखिए आपको ये ग्रीन कलर का ऊपर बटन नजर आ रहा है ब्राउजर में टॉप पे, जहाँ पे मेरा एरो है वो जो ग्रीन बटन है वो ये शो कर रहा है कि मेरे क्रोम में जो ग्रामरली है वो एडिट है एज एन एक्सटेंशन
एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन होता है एक छोटा सा पीस ऑफ कोड, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो आपके ऑलरेडी बने हुए ब्राउजर के अंदर एक फंक्शनैलिटी का इजाफा कर देता है। जैसे हमारे ब्राउजर के अंदर ग्रामरली जो है उसकी फंक्शनैलिटी का इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर एड टू क्रोम आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एड कर देगा आपके क्रोम के अंदर। हाँ जी, जहां से हम क्या करेंगे, ग्रामरली क्रोम में ऐड कर देंगे, उसका ये फायदा होगा कि अगर मैं गूगल डॉक्स पे काम कर रही हूँ, स्पेशली आज एक स्टूडेंट ने किसी और सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ था, अगर आपकी विंडोज के अंदर एमएस वर्ड नहीं चल रहा तो ऑनलाइन गूगल डॉक्स अवेलेबल है। आप इस तरीके से गूगल डॉक्स लिखकर सर्च करेंगे और आप इस तरह ब्लैंक जो है फाइल ओपन करेंगे तो ये आपके बिल्कुल एमएस वर्ड की फाइल है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखती हूँ, अब देखिए मैंने इसके अंदर मिस्टेक करूंगी और वो साथ साथ जो है इसको मेरी एक्सटेंशन में मसला आ गया। चले मैं आपको ये रिमूव करके दोबारा ऐड करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ऐड होती है, ताकि मेरी भी एक्सटेंशन अपडेट हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर आपके पास ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा या ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा। मैं, मेरे लिए री इंस्टॉल का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुकी हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ऐड हो जाएगी तो फिर मैं जो है अपने गूगल डॉक्स को ये देखिए मैंने इसके अंदर एक मिस्टेक की थी, मैंने इसकी जगह आर लिखा था, तो अब क्या है आपको साथ ही वो ग्रामरली की जो ऑप्शन नजर आ गई है जिसने फौरन से मेरे गलत वर्ड लिखते ही उसको हाईलाइट कर दिया। अब मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने सिंपली इसके ऊपर एरो लाकर छोड़ा है, क्लिक नहीं किया। होवर करने पे ही सिंपली इसने क्या किया है कि मुझे बता दिया कि मेरी क्या मिस्टेक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने साथ ही उस मिस्टेक को करेक्ट करके जो है वो सेव कर दिया। तो इस तरीके से ग्रामरली जो है आपकी ऑनलाइन चीजें लिखने में हेल्प करता है। आप जहां जहां गलती करते जाएंगे वहां वहां पे उसको हाईलाइट करता जाएगा और आपकी मिस्टेक जो है उनको रिजॉल्व करता जाएगा। लाइक आप ब्राउजर पे अगर फाइवर पे किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैसेजेस में भी जो आपकी मिस्टेक्स होंगी ग्रामरली क्या करेगा, उन मिस्टेक्स को जो है वो रिजॉल्व करता जाएगा, ताकि ये ना हो कि आपके साथ जब क्लाइंट बात कर रहा हो तो आपकी मिस्टेक्स देख के वो भाग जाए कि ये मैसेज में इतनी गलतियां कर रहा है तो ये काम जो है वो किस तरीके से सही करेगा। यहाँ तक सबको समझ आ गई हो तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रामरली है उसका कीबोर्ड भी अवेलेबल है। आप कहेंगे कि अगर तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो वहां पे तो ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं अपने मोबाइल पे काम कर रहा हूँ तो फिर मैं कैसे करूँ। लाइक आप फाइबर से जब क्लाइंट का मैसेज आता है तो तब भी क्या होता है कि आपको जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट करना होता है, वहां पे भी आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। और क्लाइंट अगर आपके साथ कम्युनिकेशन में ही जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आपको काम क्या देगा। तो इसके लिए क्या होगा, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, अगर मैं आपको दिखा सकूं सेल फोन से,
आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे ग्रामरली लिखकर। जैसे मैंने ग्रामरली लिखा तो उसने मुझे ऑप्शन दी ग्रामरली कीबोर्ड की। आपको यहाँ से मिरर व्यू नजर आएगा, उल्टा नजर आएगा, जैसे शीशे में उल्टा व्यू नजर आता है सेलफोन का। लेकिन अगर आप इसको पढ़ सके तो मैंने लिखा था ग्रामरली कीबोर्ड और इसने आज सामने मुझे ये ऑप्शन दे दी। अब अगर मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे सेलफोन में इंस्टॉल हो जाएगा और उससे ये फायदा होगा कि मैं अपने सेलफोन को इस्तेमाल करके जो भी काम कर रही होंगी वो साथ साथ जो है उसकी मिस्टेक्स को निकालता जाएगा और मेरे लिए काम जो है वो सेल फोन पे भी इजी बना देगा। उसके अलावा अगर आपके पास एमएस वर्ड है और वो चल रहा है और आप चाहते हैं कि ऑफलाइन ही काम होता रहे तो जो ग्रामरली है वो एमएस वर्ड के लिए भी अवेलेबल है। आप सिंपली क्या करेंगे, ये देखें एमएस ऑफिस आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा है और इसके अंदर लिखा है एड इन। ये जो एक्सटेंशन होता है एड इन होता है, एड ऑन का वर्ड होता है, इन सब का एक ही मतलब होता है कि किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के अंदर हमने किसी चीज की मजीद फंक्शनैलिटी अगर डालनी है, एड करनी है, तो हम क्या करते हैं उसको एड ऑन कहते हैं या एक्सटेंशन कहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रामरली फॉर एमएस वर्ड लिखें तो ये आपको ऑप्शन दे देगा ग्रामरली डाउनलोड करने। जब आप उसको डाउनलोड करके ऐड करेंगे आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है आपको, हाँ जी काइंडली आप चेक कीजिएगा जी, काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लिया करें। कोई भी स्टूडेंट जो है अपना माइक ओपन ना छोड़ा करे, उसकी वजह से क्लास में जो है वो काफी डिस्टरबेंस होती है। हाँ जी अब मैंने सबके माइक्स जो है वो म्यूट कर दिए हैं। अब मुझे जल्दी से कंफर्म कर दें अब तो कोई इशू नहीं है आपको। ठीक हो गया। हाँ जी तो मैं आपको बता रही थी कि आप जो है सिंपली अब क्या करेंगे, इसी लिंक से सबने ज्वाइन किया है, कुछ स्टूडेंट्स को इश्यू हो रहा है क्लास को ज्वाइन करने में। अगर आपको ये इशू फेस कर रहे हो आप तो काइंडली अपना नेट जो है वो रिस्टार्ट कर लिया करें और अगर मीटिंग चल रही है और इशू आ रहा है तो भी आप उसको लीव करके एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लिया करें तो आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ जी हम बात कर रहे थे जो ग्रामरली है अगर हम एमएस वर्ड में उसको डालना चाहें कि सीधा सीधा जब हम एमएस वर्ड में लिख रहे हो एट द स्पॉट हमें गलती बता दे, इसका क्या फायदा है। इसका ये फायदा है कि जब आपने मैंने आपको असाइनमेंट दी 200-300 वर्ड्स की और आप उसको अपलोड करके या कॉपी पेस्ट करके ग्रामरली पे मिस्टेक्स निकाल रहे हैं तो 200-300 वर्ड्स में से कितनी मिस्टेक्स निकल जाएंगी वो आपको इतना इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप किसी क्लाइंट का 4-5 हजार वर्ड्स का काम कर रहे हैं, 10,000 वर्ड्स का काम कर रहे हैं, वहां पे आपको इश्यू फेस करना पड़ेगा
कि अगर आप इकट्ठा 4 to 5,000 का या 10,000 वर्ड्स का जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और उसके अंदर वो आपको जो है 1,000-2,000 मिस्टेक्स निकाल के दे देता है, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उन तमाम मिस्टेक्स को रिजॉल्व करना। और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो कंटेंट राइटर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने इसका ये वे आउट निकालते हैं कि अगर हम डायरेक्टली ग्रामरली को डाउनलोड करें एमएस वर्ड के अंदर और एम्बेड कर दें, उससे क्या फायदा होगा कि जब आप लिख रहे होंगे तो राइट साइड पर साथ ही एक विंडो ओपन होगी जो साथ साथ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हाईलाइट करती जाएगी। साथ साथ जहां जहां पे मिस्टेक्स आ रही होंगी, आप एक पैराग्राफ लिखें और उस एक पैराग्राफ की जो मिस्टेक्स होंगी उन पे क्लिक करके जल्दी से उनको रिजॉल्व करें। इसकी वजह से आप पे जो है ओवर बर्डन नहीं होगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं किस तरीके से करना है उसको। ये देखें सॉफ्ट टॉनिक पे अवेलेबल है, डाउनलोड ग्रामरली फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप ये फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जब ये डाउनलोड होगा तो आपके सामने जिस तरह आप बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी ऑप्शन आएगी। मैं आपको परफॉर्म करके इसलिए दिखा सकती बिकॉज मैं जो है वो करंटली यूज नहीं कर रही एमएस वर्ड, मैं WPS ऑफिस और गूगल डॉक्स को यूज कर रही हूँ। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे, जब इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब डाउनलोड हो जाएगा तो उससे ये फायदा होगा आपको कि आप उस पे उसी तरीके से जिस तरह आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं आप उस पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल करेंगे, वो ऑप्शन देगा और वो जो ऐड ऑन है वो एम्बेड हो जाएगा आपके एमएस ऑफिस में। और आपको ये बहुत इजी हो जाएगा कि इस तरीके से जब आप उसको ओपन करेंगे किसी भी काम को तो यहाँ पर राइट साइड पे एक विंडो बन जाएगी जो साथ साथ आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उनको रिजोल्व करती जाएगी। ये ग्रामरली में तीनों ऑप्शंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली अभी क्लियर कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। मुझे ये पूछना था कि ये फ्री है ग्रामरली का टूल जो है। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हमने लिखना कुछ सीख लिया, कुछ हमने उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जो है वो फिक्स करना सीख लिया। अब आप लोग कह रहे थे कि हमें बताएं हम अपनी राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। जी, गूगल डॉक्स जो है वो क्रोम में भी ओपन होगा, मोजिला फायरफॉक्स या आपके पास कुछ भी है, कोई भी ब्राउजर है, आप उस ब्राउजर को जो है वो जब भी ओपन करेंगे तो आप गूगल डॉक्स लिखकर सर्च करेंगे और उसको सर्च करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगी और आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और उसके अंदर आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैनब कह रही हैं कि सीम्स फ्री आई गेस। जी, ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। आप इसका प्रीमियम वर्जन भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे कंटेंट राइटिंग में हमें प्रीमियम वर्जन की कोई जरूरत होती है। हमें जितने भी ऑप्शंस की जरूरत होती है वो हमारे पास तमाम अवेलेबल होती है इसके अंदर, ठीक है।
तो हमें जो है स्टार्टिंग में ग्रामरली प्रीमियम की कोई भी, बल्कि स्टार्टिंग में क्या, इतने सालों में मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, 7-8 साल हो गए मुझे और अभी तक मुझे ग्रामरली की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आपसे अभी शेयर किया था कि आपके जो है वो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ की इशू है। समटाइम्स हम लिख रहे होते हैं फिर एंटर प्रेस कर देते हैं जबकि वहां पर एंटर नहीं आना था। आपने पैराग्राफ में बात कंप्लीट नहीं की और नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले गए और बाकी की आधी बात आप वहां पे कर रहे हैं, तो ये भी एक बैड इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करें, उन पे काम करें। इसका आप कहेंगे कि मैं किस तरीके से सीखूं, डेली बेसिस पे असाइनमेंट करें, मैं तो रोज इसी तरह आपको सरखाऊंगी, काम करें, करके लाए, दिखाएं। और जब आप रोज लिखेंगे, डेली बेसिस पे लिखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इससे बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। मैं जैसे जैसे लिखती गई हूँ आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत ज्यादा लर्न किया। ठीक है, लर्न करने की था ये कि मैं एक ऐसी फील्ड में काम कर रही हूँ जिस फील्ड को मैंने पढ़ा ही नहीं, जो फील्ड पाकिस्तान में काफी कम है, हमें एज अ सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट किसी किसी MBA में या MSc में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, बिल्कुल स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स थोड़े से सिखाई नहीं जाती। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में बहुत कम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाई जाती है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन PMP प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो ऐसे होता है कि वो 2-2.5 लाख का टेस्ट होता है जिसे देकर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, और उसके पढ़ने के लिए जो कोर्स जरूरी होता है वो भी 2-2.5 लाख का होता है, मतलब 4-5 लाख लगाकर आपने एक टेस्ट देना होता है। सिर्फ लर्निंग की वजह से जब मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे लिखती रही, मैं जब दरमियान में ऐसी बातें आपको बताती हूँ तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने खप के रगड़े खा के सीखी हैं। आप लोगों को मैं अगर साथ साथ बताती जाऊंगी आप मोटिवेट भी होंगे और आप उन चीजों का ख्याल भी रखेंगे। अगर मैं अपना थोड़ा सा बताऊं तो मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट से, बिकॉज जो मेरी थी स्पेशलाइजेशन थी वो वेब इंजीनियरिंग में थी। वेब डेवलपमेंट में काम किया तो मैंने काफी ज्यादा इसमें टफ टाइम फेस किया, बिकॉज क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती थी, उन्हें कभी मेन्यू नहीं पसंद आ रहा, कभी कलर नहीं पसंद आ रहा, कभी फॉन्ट नहीं पसंद आ रहा, ये इमेजेस राइट कर दें, ये इमेज लेफ्ट कर दें, वेबसाइट डेवलपमेंट में थ्रू कोडिंग अच्छा खासा टाइम जो है वो लगता था, और काफी मायूसी भी हो जाती थी कि इतना ज्यादा मेहनत करके कोई $150 का वो प्रोजेक्ट ऑर्डर प्लेस करते थे और $500 का काम करवा लेते थे। ठीक है, तो उस पे मैंने काफी काम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इजी चीज पे स्विच करना चाहिए, मैं वर्डप्रेस पे आ गई, फिर मैंने वर्डप्रेस पे काफी काम किया। फिर इसी तरीके से आगे ही मैंने सोचा अमेजोन में देखते हैं, अमेजोन मैंने सीखा लेकिन मुझे मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। अमेजोन मैंने कोर्स किया, सीखा, समझा सारा कुछ, इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। और आप तब तक कंटेंट राइटिंग की फील्ड नहीं सिलेक्ट कर सकते जब तक आपको ये ना पता हो आपको इंटरेस्ट क्या। फिर मैंने राइटिंग स्टार्ट की। अब यकीन करें जब मुझे ग्रामरली का नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ऐसे भी होता है पीपल पर आवर पे जब मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया और मैंने उसको डिलीवर किया, मेरा काम बहुत अच्छा था लेकिन उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। क्लाइंट ने जब देखा है तो उसने मुझसे पहली बात ये की कि आपने इसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को एलिमिनेट ही नहीं किया, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वो मैं काफी डिसअपॉइंट हुई। उसने ये किया कि आधे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दिए, आधे रोक लिए कि चलो मेहनत किया तो वो तर्स खा के बात है, आप क्लाइंट्स नहीं देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मिस्टेक्स के साथ दे दूं तो मुझे पैसे दे देंगे। वो बस कोई कोई बीच में से एक आध अच्छा निकल आता तो उसने मुझे हाफ पेमेंट की और बाकी का उसने कहा ऑर्डर मुझे नहीं चाहिए, काम मैंने आपका नहीं यूज करना। क्योंकि जिस बंदे को यही नहीं पता कि उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करना है वो काम क्या करेगा। फिर मैंने इस चीज पर रिसर्च स्टार्ट की आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैंने एकेडमिक राइटिंग में काम किया और वो करते करते IT की फील्ड में प्रोग्रामिंग में करते करते मैंने जो है एक आध प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टास्क आया, काफी मुश्किल था, कोई कर नहीं पा रहा था, तो उन्होंने भाई मुझे कहा कि जी आप बहुत मुश्किल टास्क कर लेती हैं तो आप ट्राई करें। मैंने इस पर रिसर्च स्टार्ट की। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं एक एक चीज पढ़ती लिटरली, बिकॉज वो मेरी फील्ड नहीं थी,
मैं हर चीज की डेफिनेशन निकालती, उसका कॉन्सेप्ट समझती, यूट्यूब वीडियो निकालती, देखती उन्होंने उसको कैसे सॉल्व किया, कैसे किया। मैंने अपना फर्स्ट टास्क किया, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए, मैं मोटिवेट हो गई। अब नेक्स्ट में आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करती रही करती रही। और अब ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं अपना पूरा पूरा पोर्टल, पोर्टल क्या होता है कि एक बंदे ने एक कोर्स में एडमिशन लिया है, वो फॉरेन कंट्री गया है स्टडी वीजा पे, लेकिन उसे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉर्मली एशियंस जो होते हैं उन्हें स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ कमाने जाते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि स्टडी ही वाहिद तरीका होती है वहां पे रहने का। तो वो क्या करते हैं कि अपने जो कोर्स होती है वो बेच, कोर्स जो होता है उनका वो बेच देते हैं कि कोई बस स्टार्ट में उनका कोर्स पास कर देगा, वो उसको पे करते जाएंगे। तो पूरे पूरे पोर्टल अब मुझे मिलते हैं कि स्टार्ट डे वन से लेके क्विज उनके मैं कर रही थी, क्योंकि उनके सारा कुछ ऑनलाइन होता है, असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं, एग्जाम हैं, उनके डिस्कशंस हैं, क्लास डिस्कशंस हैं, मीटिंग्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, और ये काफी अच्छी अर्निंग होती है। सो पॉइंट इज दैट कि मैंने इस वजह से इस फील्ड में आई कि जब मैंने उस पर रिसर्च स्टार्ट की तो वो रिसर्च इतनी अच्छी रही कि मुझे अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। आपने इस बात से मायूस क्यों होना कि जी मैं आर्टिकल लिख रही हूँ, मैं क्या आप एक टॉपिक पकड़ के लंबे लंबे ऐसे लिखूं, मुझे तो ये काम अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं ये कर सकती। ठीक है, ऐसे नहीं चल रहा आर्टिकल करें, आर्टिकल नहीं चल रहा ब्लॉग करें, ब्लॉग नहीं चल रहा स्क्रिप्ट राइटिंग करें, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं चल रहा आपके पास एकेडमिक्स करें। बारी बारी ट्राई करते रहें, जिंदगी बड़ी पड़ी है जिसमें आपने काम करना है। आप डेली बेसिस पे देखते जाएं कौन सी चीज आपको जो है वो अपील कर रही है, उसमें काम करें। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आपका खुद दिल करेगा रिसर्च करने को और अपने काम को इम्प्रूव करने को। तो ये जो मैंने सीखा और अपने काम को रिफाइन किया, ये आप भी जब डेली बेसिस पे लिखेंगे तो आपका काम रिफाइन होगा, तब आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जब मैं आपकी मिस्टेक निकालूंगी, आपको बताऊंगी इसका ये होता है, ये होता है, तो आपकी एक नई चीज, एक नई लर्निंग हो जाएगी। अपनी मिस्टेक से घबराना नहीं है आपने। आपसे पिछले सेशन में ऐसा हुआ, मैं उनको रेफरेंसिंग सिखा रही थी और एपीए स्टाइल से मैंने उसको कन्वर्ट करना था, और मैं कन्वर्टर ढूंढ रही थी, बिकॉज मैं जब एपीए स्टाइल से कन्वर्ट करती हूँ तो मैं कन्वर्टर के थ्रू करती हूँ, या फिर मैंने जुबानी याद किए हुए हैं तमाम रेफरेंसिंग स्टाइल्स, वो आपके आगे आएंगे डे 4-5 पे, तो आपको भी पता चल जाएगा वो क्या होता है। गूगल स्कॉलर मैं यूज नहीं करती ज्यादा, मैं रिसर्च गेट यूज करती हूँ, बिकॉज मेरे टेक्निकल जो होते हैं रिसर्च पेपर्स वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, गाइड किया कि गूगल स्कॉलर ओपन करें, पेपर तक पहुंचाया, और उसने मुझे एक लिस्ट निकाल के दे दी जिसमें हर रेफरेंसिंग स्टाइल के अंदर हुआ था। आप यकीन करें मुझे अपनी उस गलती की इतनी खुशी हुई कि एक मैंने बहुत अच्छी और इजी चीज सीख ली। मैंने उस स्टूडेंट का बार बार शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है। तो जब आपकी मिस्टेक्स निकलती है उनसे घबराने की जरूरत नहीं होती, इंसान वैसे भी खता का पुतला है, तो आप उससे सीख लिया करें। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट चीज है, लॉन्ग सेंटेंसेस आर डिस्करेज्ड। बात को बहुत लंबा नहीं करना, बात लंबी कर सकते हैं पैराग्राफ्स में, शॉर्ट सेंटेंसेस में। ठीक है, हम क्यों लॉन्ग सेंटेंसेस को डिस्करेज करते हैं? क्योंकि जो रीडर होता है उसका इंटरेस्ट लूज होता है, वो सेंटेंस के स्टार्ट और एंड को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाता। जैसे आप मुझे कोई बात बताने आए, आपने बड़ी लंबी कर दी है, आप कहते हैं मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, वो उधर गया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अब आपने उससे पहले लंबी बात की, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि इन सब में से न्यूज क्या थी। तो जब मुझे नहीं समझ आएगा तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि बस करो मुझे नहीं सुननी। बिल्कुल इसी तरह जब रीडर होगा वो देखेगा कि आपने कहाँ से सेंटेंस शुरू किया और उसमें चार बातें कर दी और फुल स्टॉप ही नहीं आ रहा, तो वो कहेगा कि ये तो बड़ी एक बैड अप्रोच है, मुझे बात को समझने के लिए 2-3-4 बार उस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं उसका मतलब समझ पाऊँ, मैं उसको इंटरप्रेट कर पाऊँ। ठीक है, तो लॉन्ग सेंटेंसेस जो होते हैं उनको अवॉइड करें, शॉर्ट सेंटेंसेस, एक बात एक सेंटेंस, अगली बात अगला सेंटेंस, अगर एक बात लंबी है तो उसको डिवाइड कर दें सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, लॉन्ग सेंटेंसेस को यूज मत करें। और एक जो हम लिखते हुए इशू करते हैं नॉर्मली ए और एन के यूज में करते हैं, पाकिस्तानी है ना,
कुछ हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है ए ई आई ओ यू वॉवल है, लेकिन वो वॉवल अल्फाबेट्स नहीं है, वॉवल साउंड्स हैं। ठीक है, इस बात पे फोकस करें, वॉवल अल्फाबेट्स नहीं है। अब देखिए कि जब हम कहते हैं वॉवल साउंड, उसका मतलब है कि वो वर्ड जिनको हम बोलें तो उनकी आवाज स्टार्ट से ऐसी हो, उनका साउंड ऐसा हो कि वो ए ई आई ओ यू में से कुछ हो, जिस तरह हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो शुरू यू से हो रहा है तो हमने एन लगाने नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल यूनिक एक वर्ड है, यूनिक यू से शुरू हो रहा है। अब जिसको भी ए ई आई ओ यू का पता है वो कहेगा क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है तो मैंने एन यूनिक लिखना है। नो, उसका साउंड यू जो है उसका साउंड वो नहीं बन रहा जो हमारे पास वॉवल का साउंड बनता है, तो हम उसको आ यूनिक अप्रोच करेंगे, एन यूनिक अप्रोच नहीं करेंगे। तो जब लिख रहे हो तो इन चीजों का खास ख्याल रखा करें। वैसे तो ग्रामरली आपको फौरन बता देगा कि आप इसको ये कर लें, बट जहां पे ग्रामरली अवेलेबल नहीं है या आपकी लर्निंग का पॉइंट था वहां पर आप इस चीज पे ज्यादा फोकस किया करें। अच्छा, प्लेजरिज्म के टॉपिक पे मैं आज नहीं जाना चाह रही कि आपके लिए जो है वो डिफिकल्ट ना हो जाए थोड़ा सा। मैं चाह रही थी आज आपको मैं दूसरी चीजें सिखाऊं। हाँ जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने आपको एक टॉपिक दे दिया, अब आप कहेंगे मैं इसका क्या करूं, कैसे मैं इस काम को बेहतर बनाऊं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो होते हैं रूल्स होते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको अपने टॉपिक का पता होना चाहिए। अब मैं आईटी की हूं और कोई आकर मुझे कोई बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक दे दे और कहे कि उस पर मैं रिसर्च कर दूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस खुशी में कि ये बंदा मुझे $100 दे रहा है, मैं जबरदस्ती उस काम को पकड़ के बैठ जाऊं कि $100 ना जाए, नहीं। अपने इमेज को कभी भी थोड़े पैसों के लिए दाव पे नहीं लगाना, क्योंकि वो आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसे आ जाएंगे, आपके लॉन्ग टर्म के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपकी प्रोफाइल आपका इमेज स्पॉइल हो जाएगा। काम सिर्फ वो करें जो आपको यकीन हो कि आप कर सकते हैं, जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है, जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, नो योर टॉपिक। आपको अपने टॉपिक का पता हो और आपको पता हो कि मैंने टॉपिक पे सिर्फ ऐसे नहीं लिखना, रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्लाइंट से हमेशा पूछें कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स शेयर करें। अगर वो जैसे मैंने कल कह दिया आपसे एसईओ पे लिखें, एसईओ इतना बड़ा टॉपिक है कि उसकी डेफिनेशन से लेकर उसकी टेक्निक टूल्स ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर आती है। लेकिन आप लोगों में से किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि लिखना क्या है, एसईओ तो बहुत बड़ा टॉपिक है। स्पेसिफिकेशंस, सिर्फ टॉपिक लेकर मत बैठ जाएं, आप जो है उठाकर उसकी टाइप्स लिख कर चले जाएं और वो आपसे उसकी टूल्स की बात, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करना चाह रहा हो, वो आपका काम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कभी भी कोई भी चीज एम्बिगस ना छोड़ें, हर चीज में क्लैरिटी लेकर आए। क्लाइंट से एक बार पूछें, उसके बाद उसको खुद वो बातें रिवाइज करें, आपने ये कहा ये कहा ये कहा, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप ओके करते हैं तो मैं काम स्टार्ट करूं। उससे ये फायदा होगा कि जब आप एक मैसेज में उसे सारी चीजें जो है वो क्रॉस चेक करवा लेंगे तो कल को जब आप काम करके देते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फाइवर के पास इशू जाता है, तो आपका वो मैसेज ही आपका प्रूफ होगा। फिर फाइवर उसे हर हाल में आपको पैसे लेके देगा, क्योंकि तुमने ये बात की थी तो इसलिए इसने ये काम किया है। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करें, रिसर्च करें, जो काम करना है मैं आपको बताती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस चीज के डाटा को रिसर्च करें, उस पर बेहतर से बेहतरीन जो है वो डाटा ढूंढें। स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। स्टैंड आउट क्या है,
कि आप अपने काम में क्या चीज लाते हैं, क्या आपकी इम्पोर्टेंट बात है जो बाकियों से अलग है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कल एक गिग दिखाई थी, एग्जांपल दी थी, तो उसने खुद को कैसे स्टैंड आउट किया था, उसने एक बड़े अच्छे एक्सेंट के अंदर लगाई थी कि ऐसे लग रहा था कि उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, लेकिन आप भी सुन रहे थे और मैं भी सुन रही थी कि उसका जो लहजा था मतलब वो काफी फील होता था पाकिस्तानी, कभी वो उर्दू टाइप हो जाता था, कभी वो पंजाबी टाइप हो जाता था। तो अपने आप को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करें, अपनी एक रिकॉग्निशन बिल्ड करें, किस तरीके से, अपने काम की क्वालिटी से। जब आप अच्छी तरह रिसर्च करके, प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स काम सबमिट करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो एक अलग काम होगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके अंदर अच्छे यूज करें। फाइंड योर वॉइस, किस तरीके से आपको पता चलेगा, अभी जो मैंने आपको बताया फाइंड योर वॉइस, मैंने आपको बड़ी लंबी स्टोरी सुनाई है कि मैंने कैसे अपनी वॉइस फाइंड की, मुझे कैसे पता चला। कोर्सेज ले, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसका कोर्स लें जो कि आपने लिया है। पार्टिसिपेट कंपटीशंस, पार्टिसिपेट इन कंपटीशंस, ये ग्रोथ की असाइनमेंट आपका कंपटीशन है, यहाँ पे आपने स्टैंड आउट करना है। एक दो तीन दिन में जब मैं असाइनमेंट्स देखती रहूंगी और जो बंदा सबसे अच्छा काम करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में वो बंदा स्टैंड आउट हो जाएगा कि इन सब में से इसका काम सबसे अच्छा होता है, जब मुझे जरूरत हुई मैंने इसी से काम करवाना है। ये था स्टैंड आउट। ठीक है, ब्लॉग्स राइटिंग, ब्लॉग्स में आपको बनाना सिखाऊंगी, आप जो है अपना काम ब्लॉग के ऊपर ही डेली बेसिस पे एक ब्लॉग लिख लिया करें, जो मैं टूल्स टेक्निक्स बताऊंगी डेली बेसिस पे, जिस तरह ग्रामरली बताया तो ग्रामरली पे रन कर दें, हेमिंग वे बताऊंगी तो हेमिंग वे पे रन कर दें, प्लेजरिज्म का बताऊंगी तो प्लेजरिज्म निकाल लें। तो उससे आप हर स्किल जो है डेली बेसिस पे उस पर अप्लाई करके देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये वो चीजें होती हैं जो आपके लिए इसको ईजी कर देंगी। हाँ जी, उसके बाद है नो योर ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए आप लिख किसके लिए रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं एकेडमिक काम कर रही हूँ और मैं कॉलेज लेवल की स्टूडेंट ने मुझे वो काम दिया है, तो डेफिनेटली मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस होगी वो कॉलेज जो प्रोफेसर होंगे और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होंगे। तो मैंने जब लिखना है तो मैंने इस बात का ख्याल रखना है कि मैंने बहुत सिंपलीफाई भी नहीं करना चीज को कि वो उसका ग्रेड लो ना हो जाए, और मैंने बहुत ज्यादा उस चीज को कम्प्लेक्स भी नहीं बनाना। तो अपने ऑडियंस का जब हमें पता होगा तो हम उसके मुताबिक लिखेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जब आप किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट डिफाइन करती है आपकी ऑडियंस क्या है। अगर वो कोई बच्चा है तो आपकी ऑडियंस डिफरेंट है, अगर वो कोई फीमेल है तो आपकी ऑडियंस डिफरेंट है। उस ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आपने टेक्निक्स को यूज करके उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग लिखना है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो लिखा है वो किस लेवल के लिए है। इसके लिए भी टूल्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब आप अपना डाटा उस पर पेस्ट करेंगे तो आपको फौरन से बता देगा कि आपने जो काम लिखा है ये किस लेवल के लोगों के लिए है। वो ग्रेड सिक्स के लिए है, सेवन के लिए है, एट के लिए है, वो कॉलेज लेवल पे है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, हाई स्कूल पे है, वो आपको क्लियरली वो चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर देगा। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स से सीखें और बिल्ड पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, आप जिसमें अपना वर्किंग सैंपल्स होते हैं वो अपलोड करते हैं, जिस तरह ब्लॉग्स हैं, आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, लिंक्डइन है वहां पर आप डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं, और जब क्लाइंट कोई आता है आपसे कम्युनिकेट करता है तो आप सिर्फ उसको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। फेसबुक पेज बना लें, उस पर अपना काम अपलोड करें, वहां पे दिखा सकते हैं इसी तरीके से। तो आप
डिफरेंट मीडियम्स को यूज करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं. इसका जो है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लाइंट के ऊपर. मेक योर फर्स्ट इम्प्रेशन पावरफुल, कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आया है, तो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के लिए भी ग्रामरली कीबोर्ड बताया कि कम्युनिकेट करते हुए भी आप उससे वो गलतियां मत करें कि उनको देख के ही वो कहे कि अगर ये मेरे से ठीक से बात भी नहीं कर सकता तो ये मुझे काम क्या करके देगा. अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाए. बी काइंड, बी प्रोफेशनल. प्रोफेशनल रहना है लेकिन फ्रेंडली रहना है. फ्रैंक नहीं होना लेकिन रूड भी नहीं होना. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है. यूज टूल्स टू एलिमिनेट योर मिस्टेक्स, मैंने आपको बता दिया, गूगल डॉक्स, ग्रामरली, ये सब चीजें हो गई. स्टैंडर्ड कैसे चेक करते हैं, मैं आपको एक और टूल सिखा देती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैं जो लिख रही हूँ ये किस लेवल का है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ किसी डॉक्यूमेंट से अगर डाटा जो है वो कॉपी करके ले जाती हूँ, मैंने इसको कॉपी किया है. एक टूल है हमारे पास वर्ड काउंटर, इन सब के लिंक्स मैं आपको भेज दूंगी. मैं इसको यहाँ पे जब पेस्ट करती हूँ तो देखिए इस डाटा की सारी डिटेल्स आपको राइट साइड पे शो हो रही है. वो आपको बता रहा है कितने वर्ड्स हैं, 82 वर्ड्स हैं. करेक्टर्स जो अल्फाबेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो स्पेसेस हैं, वो सब करेक्टर्स में आती हैं. 478 करेक्टर्स हैं. सेंटेंस कितने हैं, 1. ऐसा क्यों है, बिकॉज मैंने बुलेट्स बनाई हुई है इसके अंदर और सिर्फ एक ही है जो प्रॉपर सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ लिखा हुआ है. पैराग्राफ्स 13, वो इसलिए काउंट कर रहा है क्योंकि बुलेट्स की फॉर्म में जहां जहां आप एंटर प्रेस करते जाएंगे वो एक अलग पैराग्राफ काउंट होता जाएगा. दैट्स व्हाई मैंने आज आपको कहा कि जो है वो अपना पैराग्राफ जो है उसको क्लैरिटी रखा करें, पैराग्राफ को उसी तरीके से मैनेज किया करें. यहाँ पर रीडिंग लेवल इसलिए नहीं आ रहा जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने कम डाटा को किया है. मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था ये डाटा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके जा रही हूँ और यहाँ से मैं उसको जब पेस्ट करूंगी तो ये बता रहा है रीडिंग लेवल कॉलेज स्टूडेंट, जो मैंने आपको कहा था. यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है उस तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं. उसके मुताबिक आप अपने डाटा को इम्प्रूव करेंगे. रीडिंग टाइम, जो मैंने पढ़ने में टाइम लगा रही हूँ वो रीडिंग टाइम है और जो बोलने में टाइम लगाऊंगी वो स्पीकिंग टाइम है. डिफरेंस क्या है, आपके पास क्लाइंट आके कहता है मुझे 5 मिनट की प्रेजेंटेशन बना दो. प्रेजेंटेशन जो होती है वो स्पीकिंग टाइम पे होती है क्योंकि वो हमने बोल के प्रेजेंट करना है. तो आप जब लिखेंगे आप यहाँ पे लाकर उसका स्पीकिंग टाइम 5 मिनट चेक कर सकते हैं कि बन रहा है या नहीं बन रहा. ठीक है, जो स्क्रिप्ट आप लिख के दे रहे हैं. रीडिंग टाइम है कि ये जो लिखा हुआ है मैं उसे अपने दिल दिमाग में पढ़ रही हूँ, जैसे आप नॉर्मली बुक रीड कर रहे होते हैं. वो हम फास्ट कर रहे होते हैं लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो थोड़ा स्लो होता है, कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं. ये मैंने आपको जो है वो 2 टूल्स बताए हैं, यहाँ पर आप उनको फॉलो करेंगे. आज की असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने जो काम किया है उसको मजीद बेहतर बनाएं. आप ग्रामरली पे उसको रन करें, यहाँ पर लाकर उसका डाटा चेक करेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट्स देंगे कि ग्रामरली पे उसका परफॉर्मेंस स्कोर क्या आ रहा है और इस टूल के ऊपर उसकी डिटेल्स क्या आ रही है. इन दोनों के मुझे स्क्रीनशॉट्स चाहिए होंगी. यहाँ पे हम अपनी क्लास को करते हैं एंड. किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछ सकता है. मैम, ये जो वर्ड काउंटर है ये मोबाइल फोन पे काम करेगा? अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज. मैम, ये जो वर्ड काउंटर है ये मोबाइल फोन पे काम करेगा? ये जो वर्ड काउंटर है ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये ब्राउजर के ऊपर आप वर्ड काउंटर लिखकर सर्च करते हैं और वहां पे आपको मिल जाता है. ये आपके टैब पे, मोबाइल पे, जहां पे भी क्रोम या कोई भी ब्राउजर है आप उस पर लिख के सर्च करेंगे और आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं. हर किस्म की डिवाइस पे ही अवेलेबल.
मिस हमने सिर्फ आपको कल वाली असाइनमेंट के दो स्क्रीनशॉट्स बनेंगे इसके, एक ग्रामरली का और एक ये वर्ड काउंटर का, दो स्क्रीनशॉट्स हमने आपके साथ शेयर करने हैं सिर्फ। जी, एक आप जब अपना डाटा डालेंगे ग्रामरली में तो जो आपका करंट परफॉर्मेंस स्कोर होगा, जितने भी मिस्टेक्स होंगी उसका स्क्रीनशॉट होगा, उसके बाद जब आप उन मिस्टेक्स को जो है वो सेट कर लेंगे उसके बाद का परफॉर्मेंस स्कोर का स्क्रीनशॉट होगा और आप बताएंगे कि आपने इसमें से कौन कौन सी चीजें लर्न की है। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं लास्ट उनको रिपीट कर दूं, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। सिंपली आपने अपना डाटा लाकर इस वर्ड काउंटर में पेस्ट करना है। पेस्ट करते ही हमें कुछ भी नहीं करना, इस साइट पे आपको नजर आ रही है इसकी तमाम डिटेल्स, कितने वर्ड्स हैं, करेक्टर्स हैं, सेंटेंसेस हैं और रीडिंग लेवल क्या है। नॉर्मली जब आप ब्लॉग लिखते हैं, आप ऐसे ही आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका जो रीडिंग लेवल आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो ग्रेड 7 ग्रेड 8 तक किया जाता है, कि कोई 7-8 पढ़ा हुआ बंदा भी जो है उसको समझ सके, क्योंकि वो आपकी जनरल ऑडियंस के लिए ये होता है। कोई भी ब्लॉग है वो कोई भी सर्च कर सकता है, वो 8-10 पढ़ा बंदा भी हो सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी भी लेवल का हो सकता है। तो जब आप जर्नल काम कर रहे हैं तो आप उसका ग्रेड लेवल आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने उसको इतना सिंपल रखना है कि 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा जो है उसको पढ़ सके और समझ सके। लेकिन जो मैंने काम यहाँ पे पेस्ट किया है वो एक कॉलेज लेवल की असाइनमेंट का है, तो इसीलिए जो उसका ग्रेडिंग लेवल है वो आपको शो हो रहा है कि भाई कॉलेज स्टूडेंट का है। आप अपने काम को पेस्ट करके देखेंगे कि जो मैंने लिखा है वो किस लेवल के लिए, ठीक है, और उसमें मजीद एटलीस्ट 100 वर्ड्स आप ऐसा करें कि जो भी आपका टॉपिक है आप उसके टूल्स और टेक्निक्स जो है उस पर 100-150 वर्ड जो है वो मजीद ऐड कर लें, ताकि आपकी एक राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये दोनों टूल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने इसको ऑलरेडी यूज किया हुआ है, सीमा खान को मैं रिप्लाई कर रही हूँ, तो आप उसके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट्स लाएं, उसके अंदर मजीद वर्ड्स ऐड करें, डाटा ऐड करें, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करके और दोबारा उस पर जो ग्रामर लिया है वो अप्लाई करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे सकती हैं। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, मैं क्लास करती हूँ एंड यहाँ पे, और आप सब जो है वो अपनी असाइनमेंट जो है इसी तरीके से कल शाम 5 या 6 बजे तक सबमिट कर दीजिएगा। कल की क्लास जो है वो इंशाल्लाह लेट नहीं होगी, तो हम फिक्स 9 o'clock पे ही स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।